हियरिंग लॉस के कॉजेज एंड मैनेजमेंट, व्हाट इज द कॉजेज एंड हियरिंग लॉस ऑफ एंड इट्स मैनेजमेंट दोस्तों. यस, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर. दोस्तों बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय समय पर मिलता रहे. दोस्तों हियरिंग लॉस, सुनाई देना एंड सुनाई नहीं देना, जमीन आसमान का फर्क है. हियरिंग लॉस दोस्तों क्यों होता है एंड उसका क्या मैनेजमेंट है? अगर मोटे रूप से दोस्तों हम कारण अगर हम हियरिंग लॉस के देखते हैं तो एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, एक न्यूरल हियरिंग लॉस होता है. यानी जो हमारा कान का जो है वो कंडक्शन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है. दूसरा दोस्तों होता है कि न्यूरल लॉस की जो कान की जो नर्व जो आवाज को दिमाग तक लेके जाती है या दिमाग के अंदर जो सुनाई का जो एरिया है, इनमें से कहीं कोई प्रॉब्लम है तो क्या नर्व का लॉस है. दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या है कि अगर कान के अंदर जो हमारे कैनाल के अंदर कोई वैक्स भरा हुआ है तो उस वैक्स के कारण भी जो हमें डिक्रीज हियरिंग होता है, तो उस वैक्स को हम क्लीन करके भी हमें जो है वो रिलीफ मिल सकता है. दूसरा, इसके आगे अगर हम कान का जो पर्दा है, कान के पर्दे में कोई छेद है तो, या कान के पर्दे के अंदर कोई पथरी है तो भी हमें कम सुनाई देता है. कान के पर्दे के अंदर जो होल हो गया उसके कारण जो इन्फेक्शन क्रिएट हो गया उसके कारण भी हमारे को कम सुनाई देता है. या दोस्तों अगर और आगे चलते हैं तो कान के अंदर जो सुनाई की हड्डियां डैमेज हो गई उसके कारण भी हमें कम सुनाई देता है. ये है हमारे कंडक्टिव हियरिंग लॉस. इसके अलावा दोस्तों दूसरी तरफ हम अगर देखते हैं तो न्यूरल हियरिंग लॉस में जो कान की जो नर्व आवाज को ब्रेन तक लेके जाती है वो किन्हीं कारणों से कमजोर हो गई. वो हो सकता है स्मोकिंग के कारण भी हो सकती है, वो इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, वो लंबे समय तक कान के पर्दे में छेद होता है उसके कारण भी हो सकती है, वो आपको कोई दवाई के रिएक्शन के कारण भी हो सकती है, वो जन्मजात उसका विकास हुआ है उसके कारण भी हो सकती है, वो हो सकता है आपके ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया था बचपन में उसके कारण भी हो सकती है. बहुत बार दोस्तों जैसे हम बर्थ हाइपोक्सिया बोलते हैं, जन्म के टाइम पे किसी कारण से, जैसे रूरल एरिया में है या कहीं अच्छी जगह भी, किसी भी कारण से बच्चे को जो है वो ऑक्सीजन एडिक्वेट नहीं मिल पाई तो भी क्या है हमारे ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं. तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण हमें सुनाई कम देता है. अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है. तो दोस्तों हम उसी सिरे से वापस चलते हैं. अगर आपको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कराना होता है हियरिंग लॉस. ये डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हमें कौन सी हियरिंग लॉस है. तो उसके लिए सबसे पहले एक ऑटो एंडोस्कोपी के माध्यम से हमें तुरंत ये देख लिया जाता है कि हमारा कान का पर्दा और हमारी कैनाल तो ठीक है, हमें कोई वैक्स है कि नहीं है. इसके बाद एक पीटी, एक प्योर टोन ऑडियोग्राम जिसको हम ऑडियोमेट्री भी शॉर्ट में बोलते हैं, उसका टेस्ट कराया जाता है. दोस्तों उस टेस्ट के माध्यम से हमें यह पता लग जाता है कि मेरे को इधर न्यूरल लॉस है या मेरे को इधर कंडक्टिव लॉस है. यस दोस्तों, तुरंत टेस्ट के माध्यम से हमें पता लग जाता है. एंड कई बार हमें बेरा या ओई टेस्ट भी कराना होता है जिससे हमें ब्रेन के अंदर हमारा सुनाई का सेंटर की क्या कंडीशन है उसका भी दोस्तों हमें पता लग जाता है. अब दोस्तों सपोज करो हमारे को कंडक्टिव लॉस है, कान के अंदर वैक्स है, तो उसको क्या है तुरंत जो है उसको क्लीन कर दिया जाता है. दोस्तों वैक्स को क्लीन करने का जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, एंडोस्कोपिक ईयर क्लीनिंग. एंडोस्कोपिक दूरबीन से कान को साफ किया जाता है मॉनिटर पे देख के एंड उसको वैक्यूम से क्लीन कर दिया जाता है. ईयर के अंदर जो सिरिंजिंग है वो हमें नहीं लगाना है एंड बहुत बार जो है बिना देखे क्लीन करते हैं वो भी नहीं कराना है क्योंकि कई बार क्या है जाने अनजाने में हमें कान में ट्रॉमा हो जाता है एंड वो पेशेंट के लिए इतना हॉरिबल हो जाता है कि वो ट्रीटमेंट नहीं लेता, उसको जिंदगी भर उसके दिमाग में एक डर बैठ जाता है. एंडोस्कोपिक जो ईयर क्लीनिंग है दोस्तों दूरबीन की सहायता से वो आप 4-5 साल के बच्चों से लेके बूढ़े तक कोई भी आदमी आके हॉस्पिटल करा सकता है. अब अगर इसके बाद में कान के पर्दे में दोस्तों छेद है तो दोस्तों उस छेद का ट्रीटमेंट हमें कराना होता है, एक टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी होती है. दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी के माध्यम से उस कान के पर्दे का पुनर्निर्माण कर दिया जाता है एंड उसका भी एक दूरबीन की सहायता से होता है, कान के पीछे चीरा लगाने की जरूरत नहीं है, उस दूरबीन के माध्यम से क्या है वो जो कान के पर्दे में छेद है उसको जो है वो तुरंत दुरुस्त कर दिया जाता है. करीब 1 घंटे का उसमें टाइम लगता है, उसके 2 घंटे बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है. एंड अमूमन जो इसकी कॉस्ट होती है करीब 35,000 से लेके 40-50,000 रुपए तक इसका खर्चा आता है. सो वो भी एक माध्यम होता है. इसके बाद कान की हड्डी गली हुई है या कान के अंदर हड्डी की समस्या है तो दोस्तों उसको भी ठीक किया जाता है दूरबीन के माध्यम से. बट कई बार क्या होता है हमारी डिजीज इतनी एक्सटेंसिव होती है कि दूरबीन से उसको संभव नहीं होता है. इसके अलावा दोस्तों अगर कान के अंदर हमारी नर्व का नुकसान है, हमारी कान की नस कमजोर होगी तो दोस्तों हियरिंग एड के माध्यम से जो है वो कान का जो है वो सुनाई वापस हम ला सकते हैं. हियरिंग एड हमें लगाना चाहिए होता है. एंड दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि आपकी पहले सुनाई ठीक थी
एंड अब सुनाई खत्म हो गई। सो दोस्तों आप हियरिंग एड भी नहीं लगाना चाहते, दोस्तों इसमें कोकलियर इम्प्लांट भी संभव है। आपको 70 साल में 50 साल में भी कोकलियर इम्प्लांट संभव है जिसको लगाने से आप सुन सकते हैं। सो दोस्तों देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण चीज है, एंड कुछ दवाई और दी जाती है जिससे आपका हियरिंग लॉस जो है वो डाउन नहीं हो, नीचे नहीं जाए। सो ये इन्फॉर्मेशन कितनी महत्वपूर्ण है कि क्या कारण है, क्या उसका मैनेजमेंट है। दोस्तों आप परेशान हो रहे हैं, आपको पता है कि इस चीज का ट्रीटमेंट ही नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सो तुरंत आज ही, अगर दोस्तों आज को आपको इस प्रॉब्लम से पीड़ित है, तो तुरंत जहाँ अच्छा डॉक्टर है, जहाँ पे अच्छी साधन सुविधाएं हैं, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी है, वो तुरंत डॉक्टर को दिखा के अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। एंड आई होप दैट दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द हियरिंग लॉस एंड इट्स मैनेजमेंट। आपका कोई सवाल है तो डेफिनेटली यू कैन पुट माय कमेंट बॉक्स, दोस्तों हम बात करेंगे एंड आपको जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल की तरफ से उसका जरूर हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।